राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनुपमा बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अनुपमा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब छोटी नहीं चाहती कि माया के जाने के बाद अब अनुपमा भी उसे छोड़कर जाए। अब अनुपमा धर्म संकट में फंस गई है कि कैसे वो छोटी को इस हालत में छोड़कर जाए। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अभीर ने खुद अभिमन्यु के पास जाने का फैसला कर लिया है। उसे लग रहा है कि उसके मम्मी पापा ही उससे प्यार नहीं करते, तो यहाँ रहकर भी क्या फ़ायदा। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सभी लड़कों वालों को भगाने के लिए नया कांड करने वाली है। अब ये तो थी शो की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुज और अनुपमा मिलकर माया की मौत के राज को सबसे छिपाने में लगे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि बरखा के कान तो दीवार पर ही चिपके हैं बातें सुनने के लिए। तभी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब बरखा की वजह से ही माया की मौत का सच छोटी के सामने आने वाला है और आधी रात को छोटी की तबीयत खराब होने वाली है। अब गुरुमा को भी अनुपमा पर शक हो रहा है कि क्या वो ऐसी स्थिति में अमेरिका जा भी पाएगी या नहीं। होता ये है कि अनुपमा और वनराज बात कर रहे हैं और अनुज दोनों की बातें छिपकर सुन रहा है। वनराज कहता है कि ये समय कठिन है, लेकिन फिर भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अनुपमा भी कहती है कि ज़िंदगी मेरी सबसे बड़ी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होने वाली। मेरे लिए अनुज और छोटी को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये करना होगा। अब अनुज अनुपमा की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। तभी अनुज चिल्लाने लगता है कि छोटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। वनराज और अनुज मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। छोटी ने तो हर तरफ माया की फ़ोटो लगा रखी है। अनुपमा छोटी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी को तो सिर्फ माया से मिलना है। वो चिल्लाने लगती है और अनुज अनुपमा उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अब इसी बीच गुरुमा और नकुल भी आ चुके हैं, जो छोटी के कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ अनुज छोटी को बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। छोटी माया से लिपट जाती है और कहती है कि माया माँ तो चली गई, लेकिन अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। छोटी की बात गुरुमा भी सुन लेती है और इमोशनल हो जाती है और वो सीधा अनुपमा से सवाल करती है कि तुम अपना कहा पूरा कर पाओगी या नहीं। लेकिन वनराज कहता है कि अनुपमा समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। अब अनुपमा को डर सता रहा है। वो अनुज से कहती है कि क्या होगा जब छोटी को पता चलेगा कि माया की जान उसकी वजह से गई है। अब दोनों की बातें बरखा सुन लेती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में छोटी को माया की मौत के बारे में पता चल जाएगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और अनुपमा आधी रात को बेचारी से भागते भागते मिलने के लिए पहुंच जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर ने खुद ही मन बना लिया है कि वो अभिनव और अक्षरा को छोड़कर अभिमन्यु के साथ रहेगा। अभीर को लग रहा है कि उसके माता पिता ही उसे तंग आ गए हैं, इसलिए वो यहाँ से चले जाना ही ठीक है। हालांकि अभीर को उम्मीद है कि वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजबूर अक्षरा और अभिनव उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। उधर मंजरी की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो तो ऐसे स्वागत की तैयारियों में लगी है जैसे देवता धरती पर आ रहे हों। होता ये है कि अक्षरा अभिनव की बात सुनकर अभीर खुद अभिमन्यु के घर जाने का फैसला लेता है। वो सबके सामने कहता है कि अभिमन्यु के घर जाने के लिए वो तैयार है, क्योंकि खुद उसके मम्मी पापा ही उसके साथ नहीं रहना चाहते। अभीर की इतनी इमोशनल बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभीर खुद ही अभिमन्यु को फ़ोन करके उसे लेने के लिए आने के लिए कहता है। अभीर का फ़ोन आने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। अभिमन्यु कहता है कि खुद मेरा बेटा मेरे साथ रहना चाहता है। मंजरी और बाकी सब लोग भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अभिमन्यु भागा भागा अभीर को लेने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव और अक्षरा अभीर के साथ मिलकर उसका बैग पैक करवाते हैं और अभीर को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि वो वहाँ पर बहुत खुश रहेगा, लेकिन अभीर तो किसी बात का जवाब ही नहीं देता। वो खुद सारा सामान पैक करता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग मुझसे परेशान हो गए हैं, इसलिए मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। अब अक्षरा अभीर को जाते हुए नहीं देख पा रही है, लेकिन उसने अपने आंसू रोक रखे हैं। अभिमन्यु भी अभीर को लेने के लिए पहुँच गया है। हालांकि अभीर सबके सामने अभिमन्यु से चलने के लिए कहता है। अभीर का व्यवहार देखकर सभी को अजीब लगता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सभी ने भले ही ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन घर आकर भवानी उसके सारे पेज टाइट करने वाली है। अभी तो अश्वनी ने मामला संभाल लिया है, लेकिन कब तक संभाल पाएगी।
अब सभी को ख्याल आता है कि वो घर जाने के लिए लेट हो रही है। वो परेशान हो जाती है और ईशा मैडम को बताती है कि आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब मैडम उसे समझाती है कि अभी तुम बहुत छोटी हो और तुम्हें अपने सपने को भी पूरा करना है। सभी कहती है कि बड़ी आजी बुरी नहीं है, लेकिन बस वो सब अपने हिसाब से मेरे लिए ठीक करती हैं जो उन्हें लगता है। अब सभी की बस का पेट्रोल भी खत्म हो गया है और सभी मुसीबत में पड़ गई है। अब सभी ऑटो लेकर निकलती है जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए। उधर लड़के वाले भी घर पर आ चुके हैं और सभी लोग सभी का इंतजार कर रहे हैं। अब भवानी भड़क जाती है तो हरनी सच बता देती है कि सभी घर पर है ही नहीं। उधर ईशान ईशा से मिलने के बाद से गुस्से में है और वो ईशा के बारे में सोचते सोचते गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाएगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में सभी लड़के वालों को भगाने के लिए धमाकेदार और सिजलिंग डांस करने वाली है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, वरना आपसे सीरियल की दुनिया की जानकारी छूट जाएगी। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। राम राम।